दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.4 मापी गई। भूकंप काफी तेज था। भूकंप के झटके दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र नेपाल में 10 किलोमीटर की गहराई में था। भूकंप के झटके आने पर लोग घबराकर अपने अपने घरों से और ऑफिस से बाहर निकल गए। हालांकि कहीं से किसी प्रकार के नुकसान की जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है। नेशनल फॉर सिस्मोलॉजी ने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए भूकंप की सूचना दी। मेरा नाम है तुषार। तुषार, अभी भूकंप झटके महसूस हुए हैं? हाँ, बिल्कुल हुए। एक्चुअल में हुआ ये कि मैं अभी टीवी देख रहा था घर पे। टीवी देखते देखते अचानक ही क्या हुआ, अचानक ही चक्कर सा आया माइंड में। तो मैं सोचा क्या हुआ अचानक क्या, और ऊपर से जो दीवार होता है ना, दीवार हल्का सा पपड़ी सी झड़ी। तो मैंने टीवी ऑन किया, टीवी ऑन के चेक करा कि भूकंप का सूचना आया हुआ है। तुरंत ही मैं घर से बाहर निकला। बाहर निकल के जब देखा कि बहुत सारे लोग भी इकट्ठे थे बाहर, वो भी बोल रहे भूकंप आया भूकंप आया। फिर उनसे पूछा, हार्ट बीट काफी तेज हो गई थी ये सूचना देख के। और फिर काफी ज्यादा वैसा माहौल हो गया था भूकंप के मारे के, मतलब डर वाला माहौल क्रिएट हो गया था। भूकंप काफी तेजी था मेरे ख्याल से, बहुत ज्यादा भूकंप आया। कैसे महसूस हुआ आपको? लेटा हुआ था, तोड़ रहा था बेड। ये कैसा लगा, मैंने क्या महसूस हुआ, क्या पता चल गया कि भूकंप आया है? भूकंप कंपन होने लगा, बेड वगैरह ज्यादा हिलने लगा। जिस बेड पे लेटे हुए थे, बेड पूरा वाइब्रेट करने लगा। देखे तो पंखा भी हो रहा था, रखा तो बाहर निकले गए। और लोग भी, बहुत लोग निकल गए हैं, काफी लोग, हंगामा हो गया है एक तरह से। मिली जानकारी के अनुसार भूकंप रात 11:32 पर आया। भूकंप का केंद्र नेपाल में 10 किलोमीटर की गहराई में था। इसकी रिक्टर स्केल पर तीव्रता 6.4 मापी गई है। एनसीआर के नोएडा में भूकंप के झटके आने पर लोग घबरा गए और घरों से बाहर आ गए। नेपाल में भूकंप के झटके बिहार में भी महसूस किए गए। भूकंप आने पर बिहार की राजधानी पटना में लोग घरों से बाहर निकल आए। पहले कई कारखाने यहाँ पर लगे, लेकिन किसी भी तकनीकी कारणों से वो यहाँ से स्थानांतरित होते चले गए और यहाँ की जनता हाथ देख के मलते रह गई। तो विकास के लिए यहाँ उद्योग होना बहुत जरूरी है यहाँ के।